आपका क्या नाम है और आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम बाबूराम है और मैं यहाँ पे अंबेडकर समाज संगठन से सन 86 से जुड़ा हुआ हूँ और एक ज़रूरत महसूस करते हुए इस संगठन की स्थापना मैंने अपने आपने कैसे सोचा कि यहाँ एक लोगों के लिए सामुदायिक भवन, अंबेडकर भवन और बुद्ध विहार बनाने की आवश्यकता है? किसी भी समाज की किसी भी प्रगति के लिए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, उसके लिए एकत्रित होने के लिए एक अच्छे स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने महसूस किया। आपको क्या परेशानी आई शुरू में जब आपने सोचा, कितने कौन से सन में आपने ये सोचा? ये इसकी स्थापना मैंने अक्टूबर 86 में कराई और उसके कौन-कौन बाद लोग आपके साथी थे? उस टाइम हम केवल 7 साथी थे, जिनमें सर्वप्रथम श्री ओपी जाटव जी, बी सिंह जी, पूरन सिंह जी। आपको दिक्कतें क्या क्या आई? दिक्कतें वो सब आती हैं और आई हैं जो एक समाज में आती हैं। आपको खुशी महसूस होती है आपने आज एक पूरे समुदाय के लिए एक भवन बनाया है? बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि ये एक समुदाय भवन जो है ये व्यक्तिगत हमारी संपत्ति। बुद्ध विहार बनाने की प्रेरणा कैसे मिली? बुद्ध विहार तो बाबा साहब ने सब कुछ हमें देने के बाद अगर सबसे बड़ी धरोहर दी है तो वो धर्म के नाम पर भगवान बुद्ध का धर्म दिया है। अभी आप बुद्ध विहार से कितने लोगों को जोड़ने में कामयाब हो गए हैं? बुद्ध विहार से लगभग हमारे 150 परिवार जुड़े हैं, जिसमें कुल संख्या। आपके यहाँ जैसे और संस्थाओं में होता है, आप इतना सुचारू रूप से चलाते हैं, इसका क्या कारण है कि आपकी संस्था सबसे अच्छी संस्था दिल्ली में मानी जाती है? जिस तरह की समस्या हर जगह होती हैं, उस तरह की समस्या यहाँ पे भी उसी तरह की सभी समस्याएं हैं, लेकिन आपसी तालमेल और सहनशीलता जो है और समाज के प्रति। आगे आपका क्या प्लान है? आगे प्लान ये है हमारा कि जिस तरह हमारे भवन बना है, स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अभी इसमें हमें बहुत बड़ी संपत्ति की मतलब एक आर्थिक मदद की भी ज़रूरत है और पैसे की तो है ही है, जिससे कि इसका सही तरीके से साज सज्जा हो सके और सही इस्तेमाल में ये आ सके। विकासपुरी के लोगों को और आसपास के लोगों को जो आपने ये बुद्ध विहार का अम्बेडकर भवन का जो गिफ्ट दिया है, आप कहना चाहेंगे कि और भी जगह ऐसे बनने चाहिए? ये तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटी सी आवश्यकता हमारी थी। जब तक हमारे समाज के लोगों के लिए हर क्षेत्र में इस तरह का भवन नहीं बन जाता, तब तक मैं समझता हूँ कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। हर जगह जरूरत है इस चीज़ की। धन्यवाद।